नमस्कार, साउथ टू नॉर्थ चैनल में आप सबको स्वागत। आज हम तमिलनाडु के एक ट्रेडिशनल डेलिकेसी देखेंगे। इसका नाम है अरसी उपमा कोलकाते। वीडियो के अंदर जाने के पहले आपको एक ट्रिविया। राइस कंबाइंड विद लिंटल्स प्रोवाइड अ कंप्लीट प्रोटीन, ट्रू और फॉल्स? चावल और दाल को एक साथ मिक्स करने से हमको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, सही या गलत? इसका उत्तर वीडियो के अंदर है। आइए वीडियो के अंदर जाएंगे। पहले आवश्यक चीजों को देखेंगे। कोलकाते मिक्स बनाने के लिए 2 कप रॉ राइस, 4 स्पून तूर दाल और 2 स्पून पेपर, और कोलकाते बनाने के लिए 2 प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, करी पत्ता, नारियल और सरस, जीरा, उड़द दाल और चना दाल। पहले हम चावल को अच्छे से पानी में वॉश करके ऐसे थाली में डाल दीजिए, इसको ड्राई कर दीजिए। मैंने 2 कप रॉ राइस ले ली है, इसके साथ 4 स्पून तूर दाल और 2 स्पून पेपर, यही तो रेशियो है। इसमें 1 कप को मैं अभी मिक्सी में डाली हूँ, इसके साथ तूर दाल और पेपर भी डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये तो आप सूजी जैसे ग्राइंड करके दीजिए, इतना फाइन नहीं होना चाहिए। एक बर्तन में इसको डाल दीजिए। फिर दूसरे कप चावल है ना, उसको भी मिक्सी में डालकर ऐसे ही आप ग्राइंड करके इसके साथ मिक्स कर दीजिए। जब भी आपको टाइम है ना, ऐसे करके आप रख सकते हैं। फिर जब चाहिए आप ये राइस बॉल्स बना सकते हैं आसानी से, और ज्यादा टाइम भी नहीं होगा आपको। ये आप स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई, स्टोर भी हो गई है हमको। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालकर इसमें सरस डाल दीजिए। फिर इसके साथ 1 स्पून जीरा भी डालेंगे हम। जीरा के साथ उड़द दाल छिलका हुआ, फिर इसके साथ चना दाल भी डालेंगे। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। फिर इसके साथ आपकी स्वाद के अनुसार आप मिर्च डाल सकते हैं। मैं तो 2 हरी मिर्च और 2 डाल मिर्च ले लिया हूँ। फिर करी पत्ता, फिर 2 प्याज हम काट के रखे ना, उसको भी हम डालेंगे। प्याज अच्छी से पकना है। अब जितना प्याज डालेंगे ये राइस बॉल्स बहुत अच्छा होगा। अब तो प्याज अच्छी से पकी, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी का रेशियो 1 कप राइस बॉल मिक्स बनाना उसके साथ 3 कप पानी डालेंगे, यही तो रेशियो है। अब ज्यादा मत डालिए, फिर ये स्टिकी हो जाएगा। सिर्फ 1 कप के लिए 3 कप वो ही डाल दीजिए। अब इसके साथ आपके स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके पानी को अब गर्म करना है। इसके ऊपर एक ढक्कन डालकर हम वेट करेंगे। अब देखिए अच्छे से पानी गर्म हो गई। अब हमने बना के रखे ना ये मिक्स को इसमें थोड़ी से थोड़ी डालेंगे। देखिए ऐसे डालना है, फिर इसको अच्छी से मिक्स करके रहना है, छोड़ना मत। अगर छोड़ेंगे तो ये तो थोड़ी एक साथ लग जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, इसलिए आप मिक्स करके इसको डाल दीजिए। आप जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको।
ये तो अब 5 से 7 मिनट तक पकना है। देखिए अच्छे से मिक्स करने से ही अब पानी सब राइस तो ले लेती है। फिर 5 से 7 मिनट के बाद ये तो पूरे पानी तो ऐसे हो जाएगी। फिर इसके साथ आप तिल का तेल हो तो 3 चम्मच इसके साथ डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। फिर इसके साथ ग्रेटेड नारियल रखी हूं मैं, वो भी आप डाल दीजिए। नारियल डालने से स्वादिष्ट होगा ये राइस बॉल्स। अच्छे से मिक्स करके स्टोव को ऑफ कर दीजिए। अब इसको एक थाली में ले लीजिए। ये तो अब गर्म है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए इसको। फिर इसको हम बॉल्स करेंगे। देखिए ऐसे करना है। ये राइस मिक्सचर तो अभी 75% कुक हो गई है ना। फिर हम 10 मिनट स्टीम में रखेंगे तो पूरी पक हो जाएगा। देखिए सब बॉल्स अब रेडी है। आपके साथ इडली तवा है तो उसमें रख सकते हैं, या फिर किसी कटोरी में पानी रखकर स्टीम कर दीजिए इसको। 8 से 10 मिनट तक ये स्टीम होना है। अभी देखिए 8 मिनट हो गई है। हाँ, गर्मा गर्म अरसी उपमा कोलकाते तो तैयार है। इसको थोड़ी देर ऐसे रख के फिर निकाल दीजिए, ये टूट नहीं होगा। हम इसमें तेल कम ही डाली है, फिर इसको हम स्टीम करते हैं ना, इसलिए ये एक तंदुरुस्त पोषक होगा। ये आप नारियल की चटनी, सांबार या फिर टमाटर की चटनी के साथ भी लेके खा सकते हैं। बच्चों को देंगे तो आप गुड़ के साथ भी दे सकते हैं। ये राइस बॉल्स को आप जरूर ट्राई कर दीजिए। आइए अब हम ट्रिविया को देखेंगे। राइस कंबाइंड विद लिंटल्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट प्रोटीन, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रिविया था, इसका उत्तर है ट्रू। टुगेदर राइस एंड लिंटल्स कंटेन ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। चावल और दाल को एक साथ बनाने वाले खाना को हम जब खाएंगे, इसमें 9 अमीनो एसिड्स जो शरीर को है वो सब हमको मिल जाएगा, इसलिए ये तो एक कंप्लीट प्रोटीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए और आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, ज़रूर साउथ टू नॉर्थ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।